हाय फ्रेंड, ऑल्टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आए हैं, एक बहुत अच्छी ट्रिक जिसे बोल सकते हैं नोटिफिकेशन ड्रावर चेंज कैसे कर सकते हैं। आपका रियलमी का कोई भी फ़ोन हो, रियलमी X7 मैक्स, नार्जो, ओप्पो, यानी रियलमी और वीवो, ओप्पो की सीरीज में कोई भी फ़ोन, आप जैसे कलर OS 6 हो उसमें भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो सेटअप करने के लिए आप सिंपली एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ परमिशंस अलाउ करना पड़ेगा बस, जिससे आपका ये सेटिंग्स हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू कर, हमें सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आप, मैंने पहले टाइप कर रखा था फिर भी आपको बता था, MI कंट्रोल सेंटर, इस पर क्लिक कर देना है। ये एप्लीकेशन मेरे पास पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने अभी इंस्टॉल किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस टाइप के आप सेटिंग्स कर सकते हैं। तो हमें ओपन एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, और स्टार्ट फ्री ट्रायल इस पर क्लिक नहीं करना है, इसमें अपने को ट्रायल लिमिटेड वर्जन पे क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले कैसे, पहले सेटिंग हमें डुअल सिम ऑन करना है, सेटिंग्स अलाउ कर देना है, फिर एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। तो यहाँ हमें सबसे नीचे एक्सेसिबिलिटी में जाना है, MI कंट्रोल सेंटर पे ऑन करना है, ठीक है। यहाँ दिखा रहा है MI सेंट्रल ऑपरेटिंग, जैसे ये आ गया, ठीक है। और अभी ये नहीं दिखा रहा, नॉट रनिंग दिखा रहा, इस पर क्लिक करना है। एसेसिबिलिटी पे फिर जाना है, एसेसिबिलिटी पे कुछ सेटिंग्स वगैरह की वजह से ऑन नहीं हो रहा है, पर नोटिफिकेशन ड्रॉअर में जाके आपको MI सेंटर ऑन कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये सेटिंग जो है मेरे फ़ोन में कुछ कारणों से वर्क नहीं कर पा रही है, कुछ सेटिंग्स वगैरह, पर आपके फ़ोन में ज़रूर फ़ोन सेटिंग्स ऑन हो जाएगी। मेरे फ़ोन में एक बार हो चुकी थी, पर अभी आपको बता रहा था उस चक्कर में नहीं हो पा रही है। तो आप ये सेटिंग्स एक्सेसिबिलिटी से ऑन कर लेंगे तो आपकी सेटिंग्स ऑन हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।